ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप नीचे थे आपने एक बहुत ही ओके पहले तो आपसे पूछूंगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा लगा। बस तो यही फिल्म का फ्लेवर, में ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जब आप देखोगे तो ही मजा आएगा। एंटरटेनिंग फैमिली एंटरटेन, ये फैमिली फिल्म है, लोग फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आए। आप लोग बात कर लो। अच्छा ठीक, तो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना। आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी, वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएगी। जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर अंदर रहती है, किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा।
और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा, मेरे मिस्टर भल्ला ऋषि कपूर साहब प्लीज आइए। हमारी माता जी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन प्लीज। हमारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पर हैं, किसी वजह से भूषण जी और किशन जी आ नहीं पाए, बट आई प्लीज कॉल अपॉन प्लीज श्याम जी आइए, वरुण प्लीज कम, श्याम बजाज और वरुण बजाज, चिराग प्लीज कम, नरेन जी हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज कमन से, विनोद विनोद भानुशाली प्लीज सर, नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए, नाउ अभी क्या करें आप सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओ माय गॉड के बाद फिर से थ्री वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आपने थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊं वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है, तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफी सारे सवाल थे, और तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसा ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए, तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। शुड वी हैव ईच मेंबर ऑफ द फिल्म टू से समथिंग अबाउट, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबॉडी हुज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ऋषि जी शुड वी स्टार्ट विद यू, वेरी गुड आइडिया, नमस्ते सब, गुड इवनिंग। ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि दो चीज बताऊंगा फिल्म में, एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर चार धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाए पे बैठे हैं, ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के,
मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मजा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में, तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा इसके बारे में और एलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूंगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आज यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेज हैं, आज उनका डेब्यू है, दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे नो जिम्मेदार एक बेटे की छवि दिख रही है, तो आप बताइए आपका कैरेक्टर जो है क्या उसमें मिक्स शेड्स हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, कहानी जो है देयर हैज टू बी एन आर्क, देयर हैज टू बी अ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर। जब ये फिल्म शुरू होती है एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम्स, मेरा इनके साथ प्रॉब्लम है, इनका मेरे साथ प्रॉब्लम है, इनका इनके साथ प्रॉब्लम।